जो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं सेवन्थ क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 2.3 और क्वेश्चन है हमारा सातवां। तो सातवां हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 दौड़ती है, मतलब 16 किलोमीटर दौड़ती है। फिर 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल में कार चलती है या दौड़ती है बराबर 16 किलोमीटर। कितना चलती है, 16 किलोमीटर। ठीक है, फिर ये क्या कह रहे हैं कि 3/4 लीटर पेट्रोल में चलेगी, यहाँ पे लिख देंगे पेट्रोल में चलेगी। लॉकडाउन चल रहा है, स्याही ख़त्म हो गई हमारी इंक। ठीक है, जितने भी मार्कर हैं सब यूज कर डाले हैं, देखते हैं कल कैसे क्या करना है। तो क्या करेंगे, ये 16 जो लिखा है इसकी गुणा हम 3/4 से कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 लिखेंगे, इसको हम मिश्रित बिन से साधारण बिन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 4 × 8, 8 में 3 की गुणा की तो क्या हो जाएगा, सॉरी 4 × 8, 8 में 3 जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 11/4। अब 4 से 16 अगर कट रहा है तो काट दो, 4 × 1 = 4, 4 × 16, तो हमारा क्या आया, 11 × 44 आया है। क्या आया है, 44 किलोमीटर, मतलब इतना 3/4 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी, 44 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अब हम करते हैं अपना 8वां क्वेश्चन। 8वीं का पहला क्वेश्चन कह रहा है, बक्सा डैश में संख्या लिखिए ताकि 2/3 × 10 = 10/30 हो जाए। ठीक है, तो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है उसका, ए का पहला पार्ट है। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है, 2/3 × ब्लॉक दिया हुआ है और बराबर में दिया है 10/30। ठीक है, ये है। अब हम क्या करें बताइए, इसमें क्या भरें, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 में किसकी गुणा करेंगे, 10 आ जाए, तो आप कहोगे 2 में 5 की गुणा करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। 30 में किसकी गुणा करें कि 3 में किसकी गुणा करें कि 30 आ जाए, तो 3 में 10 की गुणा करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। तो हमारा ब्लॉक की जगह पे क्या आ गया, 5/10। ठीक है, अब ये दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं, जो हमको प्राप्त संख्या हुई है, ये जो संख्या प्राप्त हुई है मतलब 5/10, इसका न्यूनतम रूप क्या है, तो हम यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट करेंगे, क्या करेंगे, 5/10 लिखेंगे का न्यूनतम रूप लिखेंगे, न्यूनतम रूप। तो हमारा न्यूनतम रूप क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 5/10। अब इसको काटेंगे अगर कट रहा होगा, 5 × 5, 5 × 2 = 10, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा न्यूनतम रूप हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर और यहाँ पे हो गया आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे बी का पहला पार्ट। तो बी में क्या लिखा हुआ है, 3 × 5 × यहाँ पर ब्लॉक बना हुआ है बराबर 24/75। अब 3 में किसके गुणा करें कि 24 हो जाए, तो भाई हम ऐसा करेंगे, 3 × 8 = 24, 8 कर देंगे। 5 में किसकी गुणा करें कि 75 हो जाए। ठीक है, तो हमको ऐसे 5 के बारे में 75 तो आता नहीं है, तो 5 से हम 75 को भाग कर देंगे, 5 × 5 = 2, 5 उतारा 5 × 25, मतलब 15 × 5 = 75 होता है। ठीक, ये हो गया, हमें क्या मिला है, 8/75 मिल गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब ये कह रहे हैं, जो हमको संख्या प्राप्त हुई है उसका न्यूनतम रूप बताओ, तो न्यूनतम रूप मतलब 8/15 का न्यूनतम रूप ये हमको बताना है। तो क्या करेंगे, 8/15 लिखेंगे, अगर कट रहा हो तो काट दो, नहीं तो यही लिखा रहने दो।
ठीक है। तो न्यूनतम रूप हमारा यही होगा क्योंकि ये कट नहीं रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन और एक्सरसाइज पूरी।